नमस्कार, न्यूज टाइम्स के तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रूही सिन्हा, आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में धूमधाम से मनी दिवाली, रोशनी से जगमगाई लौह नगरी, खूब फूटे फटाके। जुगसलाई में एम्पायर कंपनी के गार्ड को बंधक बना, बदमाशों ने लूटे लाखों के सामान। और साक्षी आम्बागान मैदान के एक पटाखा दुकान में लगी आग। खबरें विस्तार से। शहर में प्रकाश का पर्व दीपावली आज धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जहां पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है, वहीं कई जगहों पर आकर्षक काली पूजा पंडाल बनाया गया है। पटाखे जमकर फोड़े गए। आतिशबाजी को लेकर बच्चे व युवाओं में काफी उत्साह दिखा। कदमा के F2 में निर्मित काली पूजा पंडाल का उद्घाटन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर उन्होंने शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। दीपावली, काली पूजा, महापर्व छठ, तीनों ही पर्व एक दूसरे के करीब हैं और मैं तीनों ही पर्व की बहुत बहुत शुभकामना जमशेदपुर के लोगों को देता हूँ। माँ देवी से प्रार्थना करता हूँ कि जमशेदपुर में शांति हो, सद्भाव हो, आपस में लोग प्रेम और भाईचारगी के साथ रहें और इस पर्व को बहुत आनंद के साथ मनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जुगसलाई थाना अंतर्गत बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने एम्पायर कंपनी के गार्ड को बंधक बनाकर उसके अंदर से करीब 13 लाख रुपए मूल्य के सामान उठा ले गए। घटना रात 12 से 1 बजे के बीच की है। कंपनी के मालिक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बदमाश करीब आधा दर्जन की संख्या में थे, जो गार्ड को बंधक बनाते हुए लाखों रुपए मूल्य के सामान उठा ले गए। कंपनी में तांबा का काम होता है और यह कंपनी पिछले कुछ महीने से बंदी के कगार पर है। कुछ लोग आए, गार्ड को बांध दिया, बांध के बाद बंद कर दिया, ताला वाला तोड़ के वर्कशॉप से सब सामान चोरी कर लिया। कितने का सामान चोरी हुआ? करीब 12-15 लाख का होगा एस्टिमेट, तो करने पर पता चलेगा। क्या चीज़ था? कॉपर का सब प्लेट था, कॉपर का कास्टिंग था। JHRC के लोगों ने आज दीपावली के मौके पर सर्किट हाउस एरिया में पेड़ों में हरा बैंड बांधकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का संकल्प लिया। इस अभियान में कुछ छात्र छात्राएं भी शामिल थे। JHRC के प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा कि आज दीपावली के मौके पर बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग वृक्षों को बचाने का संकल्प लेते हैं। अधिक से अधिक पटाखे फोड़ते हैं और पूरे समाज को प्रदूषित करते हैं और समाज में धूल धुआं बिखेरते हैं और ये जो धुआं है ये मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसको ऑब्जर्व करने में जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये यही सारे उसको सोख लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं और हमें पूरे सालों साल जीवन पर्यंत हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा हमें न सिर्फ छांव मिलती है बल्कि फल और फूल भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमसे कुछ नहीं मांगते और सिर्फ ये हमें देते हैं और हमारी जान और ज़िंदगी की रक्षा करते हैं। तो हम मानव को कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इस अभियान को। आज हम लोग पटाखा नहीं फोड़ेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने पेड़ पौधे में उनकी पूजा की है और उसमें एक हरे रंग का रिबन बांधा है और ये शपथ लिया है कि आज के बाद हम सभी लोग पेड़ पौधे की रक्षा करेंगे और पेड़ लगाएंगे। हम लोग इस मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह
ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो पेड़ जहर पीते हैं और हमें अमृत प्रदान करते हैं जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है, और वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो दुनिया नहीं रहेगा और सारे जीव जंतु अपरा तफरी फैल जाएगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, सारे पेड़ों पर हरे रंग के रिबन बांधकर, इसका ये तात्पर्य है कि हम लोग ये समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक पेड़ एक जीवन के समान है। यदि हम इन पेड़ों को नहीं बचाएंगे जो कि हमारे लिए मतलब खुद जहर पी रहे हैं और हमें अमृत प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो अन्याय के समान है। क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड ह्यूमन राइट्स, ये समाज से जुड़ा हुआ है और ये पेड़ भी जीवन के समान ही है, इसीलिए हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। पटाखे फोड़ने से हमारा पर्यावरण खराब होता है और हमें दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए और हमें पेड़ लगाने चाहिए। साक्षी आम बगान मैदान में आज पटाखे की एक दुकान में आग लग गई। वहां के दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग को बुझा दिया, अन्यथा शहर में एक बड़ी घटना घट जाती। वारदात दिन के करीब 11 बजे की है। आग पटाखे फोड़े जाने के चलते लगी। कुछ दुकानदारों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड के नाम पर प्रति दुकान 500 रुपए लिए गए, लेकिन दमकल की व्यवस्था नहीं की गई। यदि हम दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग को नहीं बुझाते तो आज वहां एक बड़ी घटना घट जाती। पैसा दुनिया का लेके जाता है, कुछ ढंग का काम नहीं करके जाता। आदमी पटाखा बेचने के लिए पैसा दिया है ना भाई, दिया है तो वो दिखने के लिए पैसा नहीं दिया उसके लिए। तो भाई विकेट का गाड़ी हमेशा आता था, इस दफा क्या हुआ? एक बार भी कभी गाड़ी उड़ी नहीं, सिर्फ गाड़ी का हम लोग पैसा ही देते हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं आता है। 1300 रुपए लेके आप 500 रुपए का बात कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड का 500 रुपए लेके गया सब दुकानदार से? सब दुकानदार से। ये कितना बार है लगा आग आपको? दो बार तीन बार लग चुका है। अब दुकानदारी करेंगे कि उसको जाके हम लोग देखते रहे? नहीं है देखने वाला, बच्चों लोग वाला भी चार लगा, सुबह भी वहाँ पर आग लगा था, हम लोग बुझाए उसको दोस्तों की मदद से। अभी फिर आधे घंटे पहले यहाँ पर आग लगा, कोई बुझाने वाला नहीं था, फायर इंश्योरेंस दूर पे था, लाते जाते आग बढ़ गया। वहीं बिष्टुपुर साउथ पार्क मैदान के कुछ पटाखा दुकानदार पुलिस वालों की पटाखा उगाही से परेशान दिखे। एक दुकानदार ने कहा कि पुलिस के कुछ लोग जबरन पटाखा ले जा रहे हैं। और क्या बिक्री बोलिएगा, ग्राहक लोगों को माने दाम बताने से भागता है, और क्या बोले बिक्री। सबसे ज्यादा कौन सा पटाखा का सेल हो रहा है? बच्चे लोगों का पसंद का चीज है, वही सब महंगाई इतना की क्या बोलेगा। मैंने 5000 का पटाखा लिए, पता नहीं चल रहा कि 5000 के लिए लग रहा 1500-2000 के लिए। नया आइटम खरीदेंगे? नया आइटम बहुत लिए। प्रशासन को लोग आ रहा पटाखा जबरदस्ती उठा उठा लेके जा रहा, और क्या कोई थाना का परिचय दे रहे हैं? कोई परिचय नहीं। सिविल ड्रेस में? सिविल ड्रेस में, पीछे पीछे ड्रेस वाला है, उसको आप पहचानते नहीं है, लेकिन पुलिस के नाम पे पटाखा। इस वर्ष दीपावली के मौके पर जमशेदपुर के बाजारों में 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए मूल्य तक के थर्माकोल के रंग बिरंगे आकर्षक घरौंदे बिके। अविनाश अर्पण नामक एक युवक ने बताया कि 5000 रुपए मूल्य वाले घरौंदे को उन्होंने दिल्ली के मशहूर सत्यनारायण मंदिर का रूप दिया है। घरौंदे को तैयार करने में 2000 रुपए की लागत आई है। इस वर्ष वे 80 से 85 घरौंदे तैयार किए हैं। श्री नारायण मंदिर है। क्या खर्च क्या लागत है इसमें? सर हमारा 2000 रुपए कॉस्ट लगा। इसका काम किया है, इसमें मोती का काम किया है और इसमें 8 रंग से इसको रंग रंगाई हुआ है। इसको बनाने में 3 सप्ताह लगा है। नीचे से काट ले, ऊपर से काट ले। वो है मलखान सिंह का पंडाल। फ्रेंड्स क्लब की ओर से बिष्टुपुर कालीबाड़ी में काली पूजा का आयोजन किया गया है। इसके लिए क्लब ने एक आकर्षक पंडाल भी तैयार किया है। क्लब के आर्यन घोष ने बताया कि हम लोग आपस में चंदा कर पिछले करीब 35 वर्षों से काली पूजा कर रहे हैं। 73 से शुरू किए हैं, ये 40वां साल है 2012। हम लोग ना घर घर से पैसा मांगते हैं, ना दुकान द्वार चंदा करते हैं। हम सब अपना सहयोग जो भी है अपने आपस में दोस्त यार जान पहचान परिचित लोगों से सहायता के द्वारा हम इस पूजा को करते हैं। और आगे भी भगवान से हम प्रार्थना है कि जनता के सहयोग मिले तो हम आगे भी इसी तरह करते रहेंगे।